संयम के चार भेद होते हैं सज्जनों। नंबर एक, समय का संयम। जो लोग समय का सम्मान करते हैं, समय उन्हें बहुत ऊंचा उठा देता है। बैठ जाओ, परसों को यह पंडाल खचाखच भर जाएगा। एक बार जो आ गया, दूसरी बार तो मैं अपना बुला ही लूंगा उसको। वो भूल जाएगा अपने खेत वाले काम को भी। समय की कीमत को समझो। बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछो, बड़े बड़े इंजीनियरों से पूछो, बड़े बड़े वैज्ञानिकों से पूछो, बड़े बड़े नेताओं से पूछो, जिन्होंने समय को पहचाना, समय की कीमत की, आज समय ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। और जो समय की कीमत नहीं जानते, मैंने देखा इस युग में भी लोग हारो दिन बैठे बैठे, चलो उन्हें पता ही नहीं समय कितना कीमती है। सारा दिन पत्नी कहती है कथा में चला ठीक जाऊ घर ही ठीक हूं, हर दिन ताश कुटा बेटा कथा में कोई नहीं आ सके। समय का संयम रखो। एक समय, एक संपत्ति और एक शक्ति, दुरुपयोग करोगे ये कभी लौट के नहीं आ सकते तीनों चीजें। इन तीनों का सम्मान करना सीखो। नंबर दो, पहला समय का संयम, नंबर दो आपके विचारों में संयम। क्या आपके पास विचारों में संयम है? क्या आप जब विचार रखते हो तो लोग स्वीकार करते हैं आपके विचारों को? आपके विचारों से आपके निर्णायक विचार हैं, आपके न्यायाधीश जैसे विचार हैं, आपके विद्वान जैसे विचार हैं, तो एक बात बताऊं, आपके लोगों की समस्याओं का समाधान कर दोगे। और आपके पास विचारों का संयम नहीं है तो अपने आप में समस्या बन के उलझ जाओगे। इसलिए कभी कथा में आओ तो विचारों का संयम बहुत मिलता है। इसलिए विचार इतने मिल जाते हैं सुनने के लिए कि वो विचार कभी हमारे लिए जिंदगी जीने में सहारा बनते हैं।